Foundation exams are right across the corner. For some students who are appearing in foundation, their board exams are already running. For some, their graduation exams are running. So how, amidst all these difficulties and all these engagements, how do we, number one, utilize the best of hours in a given day? And number two, how do we cover syllabus fast? And number three, how do we keep revising it? Because mano ya na mano, kitne tum lecture kar rahe ho, kitna tum syllabus complete kar rahe ho, iska koi taluk, iska koi relation nahi hai ki tum exams mein 3 hours mein kya perform karke aaoge. The more you revise it, how long you retain it, what do you retain, how well you have practiced is something that will, impact the way you give your answers in those 3 hours. Syllabus kitna bhi pura ho jaye, revise nahi hai, in short kuch nahi ho payega aur time nahi hai. So all these things will be discussed in this video. Keep watching till the end. You can of course do it 1.5, and if you're someone who is looking for CA foundation guidance, coaching, resources, lectures, new scheme, purana stuff, writing practice, etc., you must check out our website jahan pe hum aapko padhate hain. Well, let's start with the first. If I were a student or mere exams right across the corner hote and I had not started significant portion, I have not covered significant portion yet, main kya karti? Well, I am a firm believer that jitna cheeze samne hai, written hai, टारगेट है, उतना आपको क्लियर डायरेक्शन मिलता है माइंड में. वर्सेस किताबें बंद हैं, कुछ पता नहीं है किसका कितना वेटेज है, कुछ नहीं, तो फिर नहीं हो पाएगा. तो ऑफकोर्स वी हैव 4 subjects नाउ, BCR, BCK इज रिमूव्ड. सो वॉट आई वुड डू इज कि आई वुड सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क दोज चैप्टर्स दैट आर ऑफ हाइएस्ट वेटेज. ऑफकोर्स दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क फॉर दोज ऑल्सो हु आर रिपीटर्स. तो फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स आई पिक्ड अप लॉ, विच आर द चैप्टर्स विच गिव यू हाइएस्ट वेटेज एंड द चैप्टर्स विच आर लेंथी ऑल्सो, राइट? तो वो मैं मार्क कर लेती एंड आई वुड गिव माई सेल्फ सर्टन डेडलाइन के इतने 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 टाइम में हो जाना चाहिए, राइट? इवन इफ आई एम टेलिंग यू 1 या 1.5 मंथ पहले भी आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. आप क्या करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लेकर के, बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर दैट यू कीप रिवाइजिंग साथ साथ में, राइट? ऑफकोर्स फॉर इंटरमीडिएट एंड ऑल आपका सिलेबस बहुत और पहले जल्दी हो जाता नहीं है, बट फाउंडेशन में आई सपोज कि इतना सही है, पीपल हैव पास्ड विद दिस डेडलाइन ऑल्सो. तो फर्स्ट स्टेप वुड बी दैट आई वुड ईयर मार्क दोज चैप्टर्स विच आर ऑफ हाइएस्ट वेटेज इन ईच सब्जेक्ट. और मैं देखूंगी यार, अगर लेट्स सपोज कि फाइनल अकाउंट्स है उसका ज़्यादा परसेंटेज वेटेज है, तो फाइनल अकाउंट्स में कितना टाइम लगने वाला है, कितना ज़्यादा लेंथ है, कितने ज़्यादा यूनिट्स हैं. सिमिलरली इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड लॉ में इतने वेटेज का है, तो कितने ज़्यादा उसमें कितने यूनिट्स हैं, कितने सारे पेजेस हैं. और मुझे पता होगा ना, अब तक आपको भी पता होगा कि आप एक दिन में कितने घंटे दे पाते हो, आपका फोकस कितना है. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बैठे हो 12 घंटे लेकर के, उसमें से पढ़ रहे हो आप 3 घंटे, बाकी टाइम आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो वो अब नहीं चल पाएगा. फास्ट सिलेबस कंप्लीट करना है, राइट? तो फर्स्ट स्टेप यही है कि यू आर हाईलाइटिंग दोज चैप्टर्स जो कि आपको इस हफ्ते करने हैं एंड देन उसके नेक्स्ट हफ्ते करने हैं, राइट? एंड गिव योर सेल्फ 1 मंथ का एटलीस्ट बेंच मार्क. जिनका और ज़्यादा बेंच मार्क है, मतलब बेसिकली गैप रिविजन एग्जाम टाइम में, उतना अच्छा है, बट अभी 1 मंथ भी इट्स एब्सोल्युटली ओके. नाउ नेक्स्ट वॉट आई वुड डू इज कि आई विल मेकअप माई माइंड कि वॉट एवर आई एम स्टडिंग आई एम कॉन्टिन्यूअसली रिवाइजिंग इट. सो मेनी स्टूडेंट्स सेंड मी ऑडियो नोट्स इन माई पर्सनल गाइडेंस सेशन, दे की आस्किंग मी दे कि मैम हाउ डू वी बैलेंस द रिविजन एंड द फर्स्ट टाइम रीडिंग स्टफ. सी आई ऑलवेज टेल पीपल द वेरी सिंपल वे दैट फॉर द मंडे टू लाइक वीकडेज में, मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यू इन्श्योर दैट यू कवर द सिलेबस, राइट? यू डू द लेक्चर्स वॉट्स एवर. And on Saturdays and Sundays, you make it a point that you revise it. So multiple times you revise it, multiple times you practice it. So the second step I would say is ki, even if I'm not able to complete 100% syllabus in each subject, but I'll make sure that even if 80% is done till my exams, I have a full command on it. Ki pass to na for sure hai, right? The third is ki do not think of leaving chapters. For instance, bahut sare mere paas aise messages aate hain mere class ke bachcho ke, who are abhi se hi planning to leave certain chapters. I don't think that should be done. If you ask me why, the answer is that tum koi ek tough chapter Indian contract chhod ke jaoge, ya fir ho sakta hai chote chote chapters tumko chhod ke jaoge. What is the guarantee, what is the assurance that the other chapters that you have done usme se tough question nahi aayega aur tum kar hi paoge? To bache sochte hain choice hai chhod dete hain, aisa kuch nahi hai. Choice hai accounts mein, fir bhi theory hai. थ्योरी भी जाएगा, चॉइस भी जाएगा, फिर कोई जो चैप्टर आप पढ़ के गए उसमें से टफ क्वेश्चन आ जाएगा. तो अभी के लिए व्हेन यू हैव सो मच टाइम लेफ्ट, कल तो एग्जाम नहीं है कि आप छोड़ रहे हो, यू कैन डू थिंग्स वेल. एंड एटलीस्ट बड़े वेटेज वाले चैप्टर से तो छोड़ के जाने की गलती मत करना. जो 2 नंबर 3 नंबर के आते हैं वो कर भी सकते हो, और पूरी मार्किंग स्कीम हम लोग इस चैनल पर बता चुके कि वेटेज क्या है ICAI के हिसाब से. द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज दैट पीपल थिंक डूइंग लेक्चर इज सफिशियंट.
It's just 20%. Whatever you are doing, your live classes, your recording, it's just 20%. कितना तुम सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो इलास्ट्रेशन को, आरटीपी एमटीपी को, असाइनमेंट को जो हम देते हैं, व्हाट्स एवर, आप जहाँ से भी पढ़े हो, द मोर यू हैंड प्रैक्टिस इज द मोर यू आर मेकिंग योर सेल्फ रेडी प्रिपेयर्ड फॉर द अटेम्प्ट, राइट? इट्स नॉट जस्ट डूइंग द लेक्चर्स. वंस यू स्टार्ट आंसरिंग, टेकिंग टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल कल हमारा, हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, तो कल हमारा बैच में अकाउंट्स लॉ इको का टेस्ट हुआ था. इको एमसीक्यू का गेमिफाइड मैनर में हमारी ऐप पे चलता है, वेबसाइट पे. तो दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज कि हाँ यार, आ तो कुछ भी नहीं रहा है, लेक्चर तो कुछ कर लिए, शायद रिविजन नहीं हुआ अच्छे से, शायद माइंड में फीड नहीं है, इस वजह से मैं लिख नहीं पाया. सो ऑल दीज थिंग्स आर सर्टेन टिप्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वेर इन आई हैव टू टेल यू कि हाउ डू यू मेक द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अ डे. तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स बैगेज इज सो हाई, कभी कभी आपकी तबीयत खराब होने लगती है, आपको लगता है मुझसे हो नहीं रहा. फॉर दैट यू नीड टू हैव अ सिंगल डेज ब्रेक और अ टू डेज ब्रेक. इन दैट डोंट इवन यूज मोबाइल फोन. उसमें आपको बहुत सारा रियलाइजेशन होगा कि यार कहाँ मेरा टाइम, सेल्फ असेसमेंट होगा कि कहाँ मेरा टाइम जा रहा है. शायद मैं पढ़ रहा हूँ मोबाइल के साथ ही, तो वो एनर्जी चली जाती है. दो तीन घंटे बाद फ्रस्ट्रेशन होता है जब कुछ नहीं करते, फिर अगला तीन घंटा और बेकार होता है. तो आई वुड सजेस्ट कि टेक अ डेज ब्रेक, फिगर आउट व्हाट्स रॉन्ग विद यू, डोंट यूज मोबाइल इन दैट ब्रेक. एंड द नेक्स्ट डे यू फिगर आउट कि लाइक वन आर द टाइमिंग्स दैट यू आर वेस्टिंग. फॉर इंस्टेंस, समटाइम्स आई रियलाइज्ड कि यार मेरी तो असल पढ़ाई 12 बजे से स्टार्ट हो रही है, एंड देन देयर स्टूडेंट्स जो कि 5 बजे उठ रहे होंगे, उनकी तो 7 घंटे की पढ़ाई स्टार्ट हो गई, और वो पूरे दिन चिल कर रहे हैं फिर, राइट? अगर इनका टारगेट 7 घंटे का है, तो ऐसे बनो ना स्मार्ट. इवन तुम अगर रात में पढ़ रहे हो, तुम नून में पढ़ रहे हो, तुम मॉर्निंग में पढ़ रहे हो, कुछ चंक ऑफ टाइम निकालो. फॉर इंस्टेंस मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, दैट्स अ नेचुरल साइकिल, ठीक है? प्रकृति का भी नियम वही है कि बर्ड्स स्टार्ट चॉपिंग, एनिमल्स वेक अप, द सन राइजेस एंड यू नो द टेम्पल्स, ऑल ऑफ दैट, एवरीथिंग गेट्स एक्टिवेटेड इन द मॉर्निंग. एंड ऑल्सो इफ यू गेट अप एट 5-6, यू डोंट हैव पीपल हु डिस्टर्ब यू, यू कैन डू नथिंग ऑन योर सोशल मीडिया, राइट? नोबडी कैन कम एंड विजिट यू. सो दैट्स द टाइम, द बेस्ट टाइम फॉर अ स्टूडेंट, राइट? Of course, that's your personal choice if you go by evening or late night study. But that chunk, if you figure out ki kya tum us time ko waste kar rahe ho, nahi padhai hoti subah mat karo, that's okay. But are you able to wake up? If you can, wo 5 or 6 se lekar ke pura 12 tak padh lo, right? Similarly, if you think ki noon mein bahut time waste ho raha hai for some reason because productivity low ho jati hai, to us time ko dekho. Raat mein bahut time ek waste ho raha hai, to us time ko dekho. Just catch hold of what you're doing wrong. वो सेल्फ इवैल्यूएशन करके पकड़ सकते हो. कोई बता नहीं सकता कि हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज अ डे. सो द आंसर टू बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ डे इज कैच होल्ड ऑफ दोज आवर्स दैट यू आर वेस्टिंग द मोस्ट. बस उस पर काम करो और रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, वेटेज के हिसाब से पढ़ो. कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. थैंक यू सो मच.